यू हैव दिस काइंड ऑफ स्किन, आपका स्किन का रंग जल गया है या कॉम्प्लेक्शन ख़राब हो गया है, टू टोन हो गया है, तो टैन को रिमूव करने के लिए मेरी वीडियो को देखते रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। सो बेसिकली अब ईद आने वाली है, तो उसकी तैयारी तो आपको पहले से करनी पड़ेगी ताकि ईद तक आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिले। सो टैन रिमूव करने के लिए या फिर आपकी टू टोन स्किन हो गई है उसे रिमूव करने के लिए आपको ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले मैंने ली है दही। दही के साथ मैंने इस्तेमाल किया है बेसन, जो कि आजकल हम सबके घर में मौजूद है क्योंकि रमज़ान है और रमज़ान में तो आप पकौड़े बनाते हैं। सो बेसन के अंदर मैंने थोड़ी सी हल्दी ऐड की है और लेमन लूँगी इसके साथ मैं। तो अब मैंने दही के अंदर अपना बेसन और हल्दी जो है ऐड की है, उसे अच्छे से मिक्स करूँगी और उसके बाद मैं इसके अंदर लेमन यूज़ करूँगी। तो ये आपने ट्वाइस अ वीक यूज़ करना है ताकि आपको अच्छे से रिजल्ट्स मिलें। तो एकदम तो हम फेयर नहीं हो जाएंगे क्योंकि जो अल्लाह ताला ने हमारी स्किन बनाई है उससे ज़्यादा तो आप गोरे हो नहीं सकते। सो जो नेचुरल हमारा कलर है उसको लेकिन अब इम्प्रूव करने के लिए, जो धूप की वजह से ख़राब हो गया है या किचन के आगे खड़े होने की वजह से ख़राब हो गया है या ब्लैक हेड्स हो गए हैं बहुत ज़्यादा, तो ये है कि हमारी स्किन का जो कलर है वो इम्प्रूव करेगा। अगर बहुत ज़्यादा टैन हो गया है, पिगमेंटेड स्किन है, तो उसको ये आपकी स्किन को दोबारा से रिकवर करेगा। तो अब मैंने इसके अंदर लेमन के चंद कतरे ऐड किए हैं, तो अच्छे से आपने इसे मिक्स करना है। और आप इसमें दूध भी ऐड कर सकते हैं अगर आपका ज़्यादा सही नहीं बनता, ज़्यादा थिक है तो थोड़ा सा दूध भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जब मेरा ये मिक्सचर तैयार हो गया तो अब मैं उसे सर्कुलर मोशन में अपने हाथों पर या फेस पर या नेक पर आप इसे यूज़ करेंगे अच्छे से नरम नरम हाथों से, सख्त हाथ नहीं इस्तेमाल करने वरना आपके पोर्स ओपन हो जाते हैं। इसे आपने ड्राई होने देना है, जब ड्राई हो जाए उसके बाद आप अपना फेस वॉश कर लीजिएगा और फिर कोई भी अच्छा सा टोनर लगा लीजिएगा, टोनर नहीं तो एलोवेरा जेल लगा लीजिएगा। ट्वाइस अ वीक आपने लगाना है और महीना लगाना है, इंशाल्लाह आपको रिजल्ट जरूर।